क्या है, हमारा रिकॉर्ड है, जब भी इंडिपेंडेंट पर जाना है ये काम होता है हमारे साथ। एक्सपीरियंस बताइए अपना। मैं कहता हूँ ये देखो, ये पुल बनाया हुआ अंग्रेजों के टाइम का पुल है ये, और ये कम से कम हुआ है अभी 60-70 साल पुराना पुल होगा, और ये पुल आगे जाके खत्म हो गया, डेड एंड हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया, मसा मसा बचे हैं, और हमारे पास जो आ गया हमने तो उल्टा उससे स्नैच कर लेना तो हमें किसी का, हमें खुद कमी है किसी चीज की, लेकिन मजा आ रहा है। जब मजा आता है ना तो किसी कोई भी महसूस नहीं होता, क्यों सर? बिल्कुल, हमने कहा 12 बजे लुधियाना पहुंचना था, हम 12 बजे यहाँ जलंधर में घूम रहे हैं। सही बात है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर आए हैं अंदर हवेली, थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर था जहाँ पर प्री वेडिंग के शूट होते हैं, ये लोकेशन है। और अब ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे, परमिशन है नहीं हमें। सर जगह कैसी लगी आपको? यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ मैं, एक बार पापा के साथ आया था, अभी उन्होंने एंट्रेंस दी थी, अभी भी दे दी है, तो फोटो भी जाके ऐसा लग रहा है कि हम जैसे पंजाब को पुराने पंजाब में आ गए, तो मतलब ना लोकेशन देखो कितनी बढ़िया है। देखो यहाँ पे इन्होंने नेचुरल वे से बनाया है, देखो दीवारों में जीवन नहीं किया, इन्होंने गोबर का लेप किया हुआ है, ये यहाँ पर इन्होंने बनाया भी खुद ही है मेरे हिसाब से, पुराने बने नहीं है, अभी बनाए इन्होंने। दरवाजे देखो कम से कम 100 साल पुराने दरवाजे हैं ये, ये तो हाथ की कलाकारी है इनकी, मतलब मज़ा आया। ऊपर से वेदर ऐसा हो तो बात ही क्या, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो फोटो पे जाकर हम निकलते हैं। दोस्तों ये देखो यार कितना अच्छा बनाया है ना, पीछे तक है इनका, अरे ये देखो मैं खड़ा ना यहाँ पर, ये बढ़िया है, लोकेशन अच्छी है, कितनी मस्त है एक फोटो। तो जैसे कि ये प्री वेडिंग शूट है ना, तो यहाँ पर ऐसी लोकेशन भी बनी है अपनी, क्या कह लो, बियर बार वाली। बहुत टाइम हो गया खड़े खड़े, अब चुपचाप हमने बस चल जाना है। वो बाहर वेदर तो देखो कितना अच्छा है, अब तेज तेज हवा चल रही है, बारिश नहीं हो सकती सर, वैसे हवा चल पड़ेगी, क्योंकि होगी तो क्या गिले होंगे, चलता है। तो दोस्तों अभी हम वहाँ से निकल गए हैं, और वो रही हवेली, वहाँ से यहाँ पर रास्ता आता है, और लेफ्ट साइड पर आपको ये मिलता है, ये जो आपको दिखाया मैंने अंदर जाके अभी। तो भाई प्री वेडिंग के लिए बहुत बड़े फैनी बड़ी बहुत शूट अ प्री वेडिंग शूट, तो मस्ट कम एट हियर बिकॉज ये बहुत अच्छी लोकेशन है यार। तो चलते हैं अब यहाँ से फोटो खिंचाने के बाद। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं पीरां दी जगह पे, ये ऊपर ब्रिज जाता है सीधा लुधियाने की तरफ, हम यहाँ से घूम घूम के यहाँ पर आ गए हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पर आज क्या कहते हैं वीरवार पे, याद करना पड़ता है आज वीरवार है, तो यहाँ पर तो पहले माथा टेक लेते हैं बात। तो दोस्तों ब्रिज के ऊपर से पता नहीं घूम घूम कर हम नीचे आ गए हैं, और यहाँ पर हमें बहुत कुछ नया देखने को मिला। सर एक्सपीरियंस बताइए अपना। मैं कहता हूँ ये देखो, ये पुल बनाया हुआ अंग्रेजों के टाइम का पुल है ये, और ये कम से कम हुआ है 60-70 साल पुराना पुल होगा, और ये पुल आगे जाके खत्म हो गया, डेड एंड हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया, मसा मसा बचे हैं। हाँ ध्यान, अगर हमारा ध्यान नहीं जाता तो हम नीचे होते और पुल हमारे ऊपर होता, और यहाँ पर लोकेशन अच्छी। बस ना एक काम कहना चाहता हूँ आपको मैं, और सर की भी यही फीलिंग है कि ऐसे ना गंद मत डाला करो, बिल्कुल बहते पानी में कभी गंदगी नहीं फैलती यार, अगर पानी खड़ता है ना तो वो अच्छा लगता है, लेकिन ये देखो कितना गंद डाला है, तो कितना गंदा सा लग रहा है, मैच लग रहा है पूरा, तो इसे को अवॉइड करो। अभी कुछ और भी देखते हैं, कुछ मिलेगा तो आपको भी दिखाएंगे, पहले पिक्स खींच रहे हो, पिक्स के लिए हम दोस्तों यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। हमारा प्लान बन गया था जब बारिश पड़ी थी कि हम जलंधर चल जाएंगे,
लेकिन नहीं, फिर हमने कहा कि वहाँ पर जाए क्या करना है, वापस चलते हैं। और भगवान की इतनी कृपा हुई कि वापस आते हैं, हमें कितना कुछ दिखा, हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, और अभी और भी करेंगे, देखते हैं। हल्की हल्की बारिश पड़ी जा रही है, बल्कि कोई बात नहीं, बारिश तो पड़ती रहेगी, हम अपना काम करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर थोड़ा सा घूमा जा रहा है नीचे, और हम किसी और दूसरी साइड पर आ गए हैं, पहले उस साइड पर से अब इस साइड पर आ गए हैं, और लिटिल बिट ऑफ रोडिंग हो रही है यार, बारिश की कणियाँ हल्की हल्की पड़ी जा रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है। जब मज़ा आता है ना तो किसी कोई फिर महसूस नहीं होता, क्यों सर? बिल्कुल, हमने कहा 12 बजे लुधियाना पहुँचना था, हम 12 बजे यहाँ अंदर भी घूम रहे हैं। सही बात है, देखो कितनी। बट सर एक कह लो कि वीक में ऐसे एक दिन होना चाहिए जिसे इन्जॉय करना हो। जहाँ अच्छी जगह मिले। सही बात है, देखो अभी आगे क्या नजारे हैं। और एक प्रेफरेंस थी कि ऐसे रोड पर सर अकेले नहीं आना चाहिए किसी को। हाँ ये तो है, वो भी सर रिस्क होता है, जो स्नैचिंग होती है ना वो ऐसी रोडों पर होती है। हमारे पास जो आ गया हमने तो उल्टा उससे स्नैच कर लेना आया तो हमें किसी का, हमें खुद कमी है किसी चीज़ की, सब कुछ रखा हुआ है स्नैच करने। गाड़ी खड़ी है ना सर आगे, गाड़ियाँ ब्यूटीफुल प्लेस प्लेसेस का ये सत्यानाश कर देते हैं। तो ये ट्रैक बना है सिंपल ट्रैक, ये रोड ही क्या अलग चला किसी विलेज की तरफ जाती होगी। हाँ ओके, इतनी अच्छी कह लो कि साफ सुथरी फिर भी ठीक है कंडीशन इसकी, गाड़ियाँ तभी तो जा रही हैं यहाँ से खड़ी हुई है। जाता है कोई विलेज की तरफ जाता होगा कट का भी। यहाँ पर किसी साइकिलिंग के ग्रुप को ना कोई राइड ऑर्गेनाइज करनी चाहिए सर, कोई भी नहीं। सही बात है, चल रहा है तभी तो बोल रहा हूँ। यहाँ पर सर MTB की ना ऑफ रोडिंग करनी चाहिए, मज़ेदार है। हाइब्रिड भी चलेगा, एक सिंपल सा छोटा सा इवेंट क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लोर करने के सर बहुत कुछ है। देखो खेत भी है ना कहीं, यहाँ पर खेत भी है कहीं थोड़े नीचे प्लेस एक। लाइफ बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा ये अभी तक का। ऊपर यहाँ से और दोस्तों अभी हम पता नहीं घूम घूम पर कहाँ पर आ चुके हैं, पर बहुत ही मज़ा आ रहा है, शांतिपुरी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की बारिश पड़ रही है, आसपास का व्यू कुछ ऐसा है। और सर यहाँ पर साइकिलिंग कर रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं अभी, अब बाहर निकलेंगे रोड पर जाने का रास्ता देखते हैं कहाँ पर होता है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर एक ढाबे पर रुके हैं, हवेली क्रॉस करके फगवाड़े से थोड़ा सा पहले, सर फगवाड़े से पहले रुके हैं ना कुछ खाने के लिए। और अभी कह लो कि घर वालों से फ़ोन आ रहे हैं, गालियाँ पड़ रही है, घर का कितना बोल के गए थे, मेरे को आया इनको कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने कहा इनके साथ हूँ, वो कह रहे कि इनके साथ, मैंने कहा इनके साथ हूँ, अब कोई बात होगी तो घर पर जाके बात करवाऊँगा ना आपको, ठीक है? तो खा लेते हैं दाल रोटी खाएँगे और क्या। तो अपनी दाल फ्राई आ चुकी है यार, मैंने ऐसा सोचा था कि ऐसे खाना नहीं है, लेकिन चलो खा हो रहा है, उसकी लेट भी हो गए हैं, बस खाने के बाद अब निकल रहे हैं हमने जल्दी से, अभी रोटी भी आ रही, बहुत टाइम लगा रहा है ये, क्यों तो आने तो खाते हैं फिर। दोस्तों अब हम निकलने वाले हैं, और सर अब हमने बस क्या काम करना है, अब हमने बस यहाँ साइकिल चलाना है, या साइकिल को नहीं साइकिल नहीं रखना है, हाँ टेम्पो में रखना है, क्योंकि जगह पर आने की जल्दी यार फोन आ रहे हैं, तो चलते हैं क्या करना है। अभी यहाँ पर इन्होंने ये लिया है, मेरे को जो रखा है यहाँ पर चिप्स लगा रखा हुआ है, माला नीचे पड़ी है, एंजॉय करेंगे टेम्पो के अंदर। समझना कि पेट निकल गया है। हाँ पेट नहीं निकला भाई, अभी खाया है कितना है, दो रुपये खाई है, चलते हैं। फाइनली हमको ट्रक मिल गया है, हमारा रिकॉर्ड हमें 26 मिनट पर जाना है, ये काम होता है हमारे साथ। सर कैसा फील आ रहा है?
यहाँ पर ट्रक के अंदर का आनंद लिया जा रहा है और बारिश भी नहीं तेजी हो रही है। साइकिल तो अपने ऐसे आ गए हैं सर, इसमें ज़्यादा फर्स्ट टाइम इंडिया हो रहा है कि कोई मतलब साइकिल से नोट पसंद हेल्प ले रहा है, वो हेल्प करने को राजी भी हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हम यहाँ पर खड़े हो जाए ना पकड़ के बच्चों की तरह, तो लोग सब हमारे तरफ ऐसे देखेंगे ये क्या हो गया। और चलो मिल के अच्छी हो गया तो दोस्तों घर पर वापस आ चुका हूँ। आज बहुत ही मज़ा आया भाई साहब, बहुत ही सारे दोस्तों न्यू न्यू चीज़ें हमने एक्सप्लोर की। जहाँ पर हम नेक्स्ट टाइम अगर हवेली गए तो वहाँ पर हम बाकी राइडर्स से जरूर जाएंगे, उनको भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कहीं के कि आप कहाँ पर गए थे, गौरव सर को भी आ रहे कहाँ पर गए थे, क्योंकि वैसे लोकेशन इतनी मस्त थी, पूरी ना अलग ही फील आ रही थी वहाँ पर। तो अब बताना चाहता हूँ आपको मैं कि हम ट्रक से वापस क्यों आए, क्योंकि दोस्तों मैं मोबाइल लेकर गया था पापा का था, दूसरा मोबाइल लेकर नहीं गया था क्योंकि उसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है, पापा के मोबाइल की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी है, जो वीडियो रिकॉर्ड करता है फोटो क्लिक में अच्छी क्वालिटी आती है, तो मैं लेकर गया था। तो इसे मुझे जल्दी वापस आने लगा और अब से मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही करूँगा कि जब भी हम राइड पर जाएंगे ना तो पापा का मोबाइल लेकर नहीं जाऊँगा, मैं अपना दूसरा मोबाइल लेकर जाऊँगा, कॉलिंग के लिए ओनली सिंपल, और वीडियोग्राफी हम अपने गोप्रो से बढ़िया वाली करेंगे। तो लेट्स क्लोज दी वीडियो ऑन दैट वन। इफ रियली एंजॉय दी वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट डाउन बिलो हाउ दी वीडियो इज, and please if you are new in the channel please subscribe and hit the bell icon for the latest notification of cycling vlogs. So let's close the video on that note. Let's keep loving, keep supporting this Bugha film. Love you all.